सब क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? या अल्लाह, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस प्रॉमिस पर कायम रहना मुश्किल हो रहा है। ये ड्रामा बंद करो और पेपर साइन करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। नहीं जानती मैं, सच में कुछ भी नहीं जानती मैं। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा इंजर। कल ही तो उन्होंने मुझे शादी में पहनने के लिए ड्रेस गिफ्ट किया था, समुंदर घुमाने लेकर गए थे। सिर्फ एक दिन में कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? तो तुम अब भी मुझसे झूठ बोलोगी क्या? अब देखता हूं कैसे मेरी आंखों में आंखें डालकर कहोगी कि बेगुनाह हो तुम। कहां हो तुम माय डार्लिंग? और कितनी देर इंतजार करता रहूं? उस घर से निकल नहीं सकती क्या? बहुत एरोगेंट है और बहुत जज्बाती भी। मुझे नफरत है उससे और उसकी मां से। फिक्र ना करो मेरी जान, मैं तुम्हें उस कैद खाने से निकाल लूंगा। अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता बुरा। बहुत थक गई हूं मैं, मेरे प्यार की खातिर बर्दाश्त कर लो और वहां से रकम लिए बगैर मत निकलना। हमारी अच्छी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। आई लव यू मेरी जान। अरे छोड़ी मेरा हाथ, ये कौन सा तरीका है बात करने का? ये किस अजाब में फंस गया हूं मैं? आमिर, मेरी जान, ठीक हो तुम? तुम चिल्ला रहे थे रियान पर। कोई मसला हुआ है क्या आमिर? आओ बैठकर मुझे बताओ क्या हुआ है। मत पूछिए माँ। क्यों ना पूछूं बेटा, तुम इतनी अजियत से गुजर रहे हो और मैं बैठी तमाशा देखती रहूं। रियान ने कुछ किया है क्या? काश के तुमने पहले ही मेरी बात सुन ली होती आमिर, उस वक्त जब तुमने अभी कबूल है नहीं कहा था। मॉम प्लीज, जो होना था सो हो गया। बेटा प्लीज मॉम, जैसे तुम मुनासिब समझो, मगर तुम जिसमें जल रहे हो उस आग की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हारे दिल तो क्या तुम्हारे दामन को भी छू सके। मैं तुम्हारे साथ हूं और रहूंगी, ये कभी भी ना भूलना बेटा।